नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्रीन लीफ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैजंती प्लांट के ऊपर। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं जो बैजंती को नहीं जानते या बैजंती को किस काम आता है या उनके फ़ायदे क्या हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दूँ, बैजंती प्लांट एक पूजा पाठ वाला प्लांट है। जिस तरह हम घरों में, मेरे सामने आप केले का प्लांट देख रहे हैं, जिस तरह हम घरों में केले के प्लांट की पूजा करते हैं या फिर तुलसी की पूजा करते हैं, ये श्यामा तुलसी, ये रामा तुलसी, और या फिर सम्मी प्लांट या फिर बड़ की पूजा करते हैं लोग बाग, या फिर पीपल का प्लांट मान लीजिए आप, ये सभी प्लांट बहुत ही पूजनीय होते हैं, अशुभ प्लांट होते हैं। उन्हीं में से प्लांट है एक दोस्तों बैजंती प्लांट, जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो, जिसमें फ्लावर्स आ रहा है वो केली का प्लांट है। जस्ट उसके बगल में दिखाता हूँ आपको, ये है दोस्तों बैजंती का प्लांट। ये बहुत ही पूजनीय होता है और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर लगने वाले मोती स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने गले में धारण करते हैं, क्योंकि उनकी आरती में भी आपने जरूर सुना होगा गले में बैजंती माला, तो ये शब्द उनके लिए जो आरती हम गाते हैं उसमें आती है। इसलिए ये लगने वाले जो मोती है या इनका प्लांट जो है आप देख रहे हो, बहुत ही पूजनीय होती है। इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। लेकिन इस वीडियो हम जानेंगे इसके मोती से हम पौधे कैसे तैयार करते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, जो मोती लगने का समय है वो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसके मोती लगते हैं। और जानते हैं दोस्तों इसे कैसे हम सीड की मदद से हम लगाते हैं। तो दोस्तों, बैजंती को सीड से ग्रो करने के लिए किसी भी तरह की मिट्टी का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ गार्डनिंग जो सॉइल होती है, पुरानी मिट्टी, पुराने गमले की मिट्टी आप ले सकते हो, उसका यूज कर रहा हूँ। उसमें खाद ना डलियो, खाद की मात्रा अधिक ना हो, क्योंकि सीड्स हमारे गल जाते हैं। और ये है दोस्तों बैजंती की सीड्स, कुछ इस तरह के होती है मोती, और इन्हीं की माला बनाई जाती है। जिस तरह तुलसी माला पहनी जाती है गले में, उसी तरह बैजंती की माला गले में पहनी जाती है, धारण की जाती है। बहुत ही शुभ होता है, घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म कर देता है। इसे आप अपने घर में जरूर लगाएं। और ऊपर से एक परत हम मिट्टी की डाल देंगे दोस्तों, ताकि हमारे सीड्स थोड़े दब जाएं। उसमें अगर खाद हल्की फुल्की हो तो चल जाएगी, ज़्यादा खाद ना हो दोस्तों, क्योंकि सीड्स, अधिकांश सीड जो होते हैं वो खाद की मदद से गल जाते हैं। हमें केवल जर्मिनेट करना है, उसे खाद पानी नहीं देना। और दोस्तों याद रखें कि पानी ज़्यादा नहीं देना होता सीड्स में, कोई भी सीड लगा रहे हो पानी नॉर्मल ही चाहिए होता है, क्योंकि सीड्स पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और जो पानी हम दे रहे हैं वो स्प्रे से दे रहे हैं, या अगर आप मग्गे जग किसी चीज़ से दे रहे हो तो हल्का ही पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि उससे पानी एकदम से देने से क्या है सीड्स ऊपर आ जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के बाद रिजल्ट आप देख सकते हो आपके सामने, काफ़ी अच्छे हमारे जो बैजंती सीड्स से उससे हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं। और इस तरीके से आप बैजंती को लगा सकते हो। एक चीज़ जो दोस्तों कस्टमर पूछता है कि बैजंती के जो रूट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं, तो दोस्तों ये नेचुरल है, ऐसा ही होते हैं, उनके रूट्स ऊपर आ जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं मिट्टी डाल दो, तो आप मिट्टी डाल भी दोगे तब भी रूट्स उसकी ऊपर आ जाती हैं, ये कुदरती ऐसा प्लांट है। और दोस्तों एक नेगेटिव, घर की जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको ख़त्म कर देता है, इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और इसमें से जब पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पॉली बैग में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये पॉली बैग हमारे तैयार हो चुके हैं दोस्तों, और इसमें से निकाल के हम पॉली बैग में डाल देंगे, और उसके बाद ये हमारे सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। और बरसात का समय चल रहा है दोस्तों, बस बरसात में बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं ये, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दोनों लगा दो, इकट्ठे इकट्ठे लगा दो। इसके बाद सावधानी से आप पॉली बैग में लगा दीजिए दोस्तों, और ये पौधा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, मरता नहीं है, आसानी से ग्रो हो जाता है, और सब रेडी हो जाएंगे। और फिर एक हफ्ते तक शेडेड एरिया में रखिए, छाई में रखिए, बालकोनी में रख दिए, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। और इसके बाद मानसून
मैं हम तैयार कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बड़े हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा भी आपको प्लांट, शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा दोस्तों जब ये बड़े हो जाएंगे काफ़ी, अगर बचते हैं तो, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा होती है इन प्लांट की। लेकिन लोगों को नॉलेज इसकी प्लांट की बहुत कम है दोस्तों, जिन लोगों को पता है वो नर्सरी पर आता है लेता है इन्हें, और इसकी महत्व के बारे में काफ़ी, जिस तरह तुलसी के पौधे में हर कोई जानता है लेकिन वैजयंती के प्लांट में बहुत कम लोग जानते हैं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और ये हमारे पॉलीबैग तैयार हो चुके हैं, इसमें हम पानी डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद हमने जो कटिंग से और भी तुलसी लगा रखी है, और भी पौधे हमने तैयार करे कटिंग से ही सभी। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। नमस्कार।